वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स मेंटर अवनीश सर। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने बैलेंस शीट को बहुत अच्छे से समझा। आज की क्लास में हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को समझना है। मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए दोबारा बना रहा हूँ। पुराना वाला वीडियो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डिलीट हो गया। वापस इस वीडियो को आप लोगों के लिए मैंने बनाया है, इसलिए एक लाइक तो बनता है। अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो एंड चैनल्स को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक के पास, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा हम लोग बैलेंस शीट में देख रहे थे कि बैलेंस शीट हमारी वर्टिकल तरीके की बनती है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी वर्टिकल तरीके का बनता है। जैसे हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस कर रहे थे, लगभग उसी तरीके का स्टेटमेंट ऑफ पीएल का भी फॉर्मेट होता है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल में भी हम लोग अगर सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट बना रहे हैं तो सबसे पहले ऊपर कंपनी का नाम लिखेंगे, दैट इज नेम ऑफ द कंपनी। देन उसके बाद में हम जो काम करते हैं, हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना रहे हैं तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिखेंगे और किस साल का बना रहे हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, 31st March 2021, 31st March 2015, 16, whatever it will be given in your question, you have to write that particular point, that particular year accordingly. Then अब फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसा हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट था, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, उसी तरीके का सेम टू सेम फॉर्मेट है। नोट्स टू अकाउंट्स इसमें भी होते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स यहां भी उसी तरीके के नोट्स टू अकाउंट्स आ रहे हैं जैसा हम लोगों ने बैलेंस शीट में देखा था। अज्यूम करिएगा हम लोगों ने बैलेंस शीट में नोट नंबर 14 तक को यूज कर लिया है, क्योंकि नोट नंबर पहले बैलेंस शीट का आता है, उसके बाद में प्रॉफिट लॉस बनता है, तो उसके बाद प्रॉफिट लॉस का प्रेजेंटेशन होता है, इसीलिए नोट नंबर में बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस के नोट्स बैलेंस शीट के बाद में शो होते हैं। तो चलते हैं अपन फॉर्मेट में। इतना हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के बाद ये स्टेटमेंट हमको बनाना होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको कंपनी में भी बनाना होता है, जैसा हम लोग पार्टनरशिप या सोल प्रोपराइटरशिप में बनाया करते हैं, सेम उसी तरीके का। दिस इज वन ऑफ द एक्सटेंशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो सबसे पहला इनकम हमको शो करना है और एक्सपेंसेस हमको शो करना है। इनके साथ में कुछ बायफर्केशन हमें समझनी है, उन बायफर्केशन को हमको अच्छे से समझते हुए काम करना है। हमारी इनकम्स दो तरीके की होती है। पहली इनकम होती है हमारी डायरेक्ट नेचर की और दूसरी होती है हमारी इनडायरेक्ट नेचर की इनकम। जो डायरेक्ट नेचर की इनकम होती है हमारे बिजनेस की, दैट डायरेक्ट इनकम इज नोन एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हमारा जितना भी हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, नॉर्मली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहां से होगा, मेरे बिजनेस का जो मेन सोर्स है वहीं से होगा। क्या होगा, या तो मैं अपने बिजनेस में गुड्स बेचूंगा, या तो मैं अपने गुड्स में अपने बिजनेस में सर्विसेस सेल करूंगा, या फिर फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बिजनेस में क्या कर रहा हूं, मैं अपनी सर्विस सेल कर रहा हूं, अपनी कोचिंग फीस ले रहा हूं। सो व्हाट इज दैट, माय सर्विस इनकम। देन कभी कभी जैसे ब्रोकर्स वगैरह होते हैं जो कुछ हमको कमीशन बेस पर काम करके देते हैं, तो वो भी हमारे बिजनेस की मेन इनकम हो सकती है। इसीलिए यहां इसका जो नोट नंबर 15 है वो हमने यहां बनाया है। वो नोट नंबर 15 में टॉप में हमने लिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जैसा नॉर्मली हम लिखते हैं। फिर किस चीज से हमको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल। रेवेन्यू का मतलब सेल ही होता है, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस और प्रोडक्ट। जो भी बिजनेस होगा, अगर हम सेल कर रहे होंगे सर्विस का तो सर्विस लिखेंगे, अगर हम प्रोडक्ट बेच रहे होंगे तो प्रोडक्ट लिखेंगे। आउटर कॉलम में दोनों की करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर की अमाउंट शो होती है। देन अदर ऑपरेटिंग इनकम्स, मेरा प्रोडक्ट या सर्विस के अलावा, जैसा कमीशन का एग्जाम्पल दिया मैंने, वैसा कुछ, स्क्रैप को बेचने का मेरा बिजनेस है, मैं एक ऑफिशियल कबाड़ी हूं, स्क्रैप बेचता हूं, तो वो जो स्क्रैप मैं बेचूंगा वो आ जाएगा, मैं ऑफिशियल ब्रोकर हूं, मे भी हो सकता है शेयर सिक्योरिटीज में ब्रोकरेज का काम करता हूं, या किसी और नेचर में ब्रोकरेज का काम होता हो मेरा, जमीन बेचना, घर बेचना, गाड़ियां बेचना, कुछ उस तरीके का ब्रोकरेज हो सकता है। तो जो भी ब्रोकरेज कमीशन मुझे जो रिसीव होगा वो मेरे अदर इनकम, अदर इनकम लेकिन कौन सा वाला, अदर ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि मेरा वो बिजनेस का मेन बेसिक नेचर ही है इसलिए मुझे वो इनकम मिल रहा है। अब इनके अलावा मेरी जितनी भी इनकम होगी
वो सारी की सारी इनकम क्या कहलाएगी? इनडायरेक्ट नेचर की इनकम। वो सारी जो इनडायरेक्ट नेचर की इनकम होगी वो हो जाएगी अदर इनकम में। इसको मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, इसको मैं लिख देता हूं इन डायरेक्ट नेचर की, ये मेरी इनकम है। अब इनडायरेक्ट नेचर में क्या क्या आता है? इनडायरेक्ट नेचर में हमें मिल सकता है इंटरेस्ट, हमें मिल सकता है डिविडेंड, हमें मिल सकता है रेंट, रेंट रिसीव होता है हमको, या कुछ इसी तरीके से हमने किसी एसेट को बेचा उस पर हमको प्रॉफिट हो गया, मे बी इन्वेस्टमेंट को बेचा प्रॉफिट हो गया, मे बी फिक्स्ड एसेट को किसी को हमने बेचा हमको प्रॉफिट हो गया, तो वो जो प्रॉफिट होगा वो भी इधर आएगा। बाय चांस मैंने अलग अलग चीजें बेचा, फॉर एग्जांपल मैंने एक इन्वेस्टमेंट बेचा उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ, मैंने दूसरा इन्वेस्टमेंट बेचा उसमें मुझे लॉस हुआ, तो वो प्रॉफिट और लॉस को मैं माइनस करके शो करूंगा। अगर मुझे लॉस ज्यादा हुआ है, फाइनली मेरा नेट लॉस आ रहा है, तो वो दिखेगा अदर एक्सपेंसेस में। लेकिन अगर मुझे प्रॉफिट है, लॉस माइनस करने के बाद में भी मेरा नेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बच रहा है, तो यहां पर आ जाएगा वो प्रॉफिट, क्योंकि इनकम वाले कॉलम में। अब हमारी दोनों इनकम्स, दो ही तरीके की इनकम होती है, एक होती है डायरेक्ट एक होती है इनडायरेक्ट, यहां हम उसको बोल रहे हैं एक है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और दूसरी है अदर इनकम। दोनों इनकम्स को एड अप करने से हमारा आ जाएगा टोटल इनकम 1+2। इस टोटल इनकम को हमने लिख दिया क्योंकि ये क्रेडिट साइड ही डिनोट कर रहा है, तो इसको हमने क्लोज भी कर दिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है? अब आना है हमको एक्सपेंसेस में। Now, what are the expenses? Expenses में सबसे पहला होता है cost of material consumed. Cost of material consumed का concept हम लोग non-profit organization में भी use कर चुके हैं। Then, उसके बाद में होता है purchase of stock in trade. Stock in trade का मतलब है goods जो हम business में deal करते हैं उनको हमने जितना भी purchase किया वो सारा detail यहाँ आ जाएगा। Changes in inventory. Changes in inventory का मतलब होता है opening minus closing. Opening inventory कितनी थी minus क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी थी, तीनों तरह के गुड्स की, कौन कौन से, फिनिश गुड्स, WIP एंड रॉ मटेरियल, तीनों तरीके के हमारे जो गुड्स हैं उनको हम चेंज इन इन्वेंटरी करके निकालेंगे। चेंज इन इन्वेंटरी हमको आगे भी और कई जगह में काम आने वाली है। देन उसके बाद में अगले पॉइंट पर आते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। नाउ व्हाट इज दिस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस? एम्प्लॉय से जुड़ा हुआ जितना भी खर्चा है जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को लेकर के कर रही है वो सारे खर्चे आ जाएंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। नाउ व्हाट इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस? एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। सैलरी एंड वेजेस, ऑलरेडी वी नो अबाउट दिस। देन कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, पीएफ का मतलब प्रोविडेंट फंड, या अदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के फंड्स होते हैं उनमें अगर कुछ कंपनी खर्च कर रही है तो वो यहां आएगा। देन स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, जैसे अभी COVID-19 चल रहा है इसमें बहुत सारी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की ताकि कंपनी का काम भी अच्छे से हो और बाय चांस अगर किसी एम्प्लॉय को कुछ हो जाए तो उसकी फैमिली को सिक्योरिटी भी मिलती रहे। सो व्हाट इज दैट? दैट विल कम अंडर स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। देन उसके बाद में अगले पॉइंट पर आते हैं फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मतलब पैसा लेने के समय हमें जो खर्चा लगता है उसे हम बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट। पैसे के बदले खर्चा जो हमें लगता है उसे हम बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट। एग्जांपल, हमने डिबेंचर खरीदे, डिबेंचर खरीदने से हमको जो पैसा लगा उसको हम बोलेंगे फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट यानी डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट। हमने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लेने के बाद में हमको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है दैट इज व्हाट फाइनेंस कॉस्ट। इसीलिए इसका नोट नंबर 18 हमने यहां लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, बैंक लोन्स एक्सेट्रा, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड किसी भी तरीके के हो सकते हैं। दोस्तों जब हम लोग किसी भी जगह से लोन लेते हैं, आपने मोबाइल खरीदा होगा या आपने कोई और घर का अप्लायंस ईएमआई पर लिया होगा, उस पर हमको एक और चार्ज लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग फीस। अलग अलग कंपनीज अलग अलग नाम से इसे पुकारती हैं, तो वो जो चार्जेस हमको लग रहे हैं उन चार्जेस को भी कस्टमर को बियर करना होता है, तो वहां यहां हमने लिखा है अदर बोरोइंग कॉस्ट। हमको जो भी कॉस्ट लग रही है लोन लेने के लिए उसको हम बोलते हैं अदर बोरोइंग कॉस्ट। जल्दी अगर आप लोन रीपेमेंट करते हैं तभी भी कुछ कंपनीज आपसे चार्जेस कलेक्ट करती हैं। जिस भी तरीके का फाइनेंस कॉस्ट आएगा वो आपको यहां दिखेगा फाइनेंस कॉस्ट में। देन फाइनेंस कॉस्ट के बाद में डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, पहले भी डिस्कशन किया हुआ है इस पर। डेप्रिसिएशन
हमको मालूम है फिक्स असेट्स की वैल्यू में जो डिक्रीज होता है उसे कहते हैं डिप्रिसिएशन. अमोर्टाइजेशन इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इनटैंजिबल असेट्स. इनटैंजिबल असेट्स को टाइमली हम राइट ऑफ करते चलते हैं ताकि उनकी एक्चुअल वैल्यू हमको मालूम रहे, तो वो कहलाता है अमोर्टाइजेशन. टैंजिबल असेट्स का डेप्रिसिएशन नॉर्मल डेप्रिसिएशन, इनटैंजिबल असेट्स का डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन. उसके बाद में आता है अदर एक्सपेंसेस. डेप्रिसिएशन को लेकर के एक पॉइंट और बता देता हूं. बाय चांस अगर आपके पास में एक से ज्यादा असेट्स हैं, एक से ज्यादा टैंजिबल या इनटैंजिबल असेट्स हैं, उस पर अगर आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं उसका भी आप नोट्स टू अकाउंट्स बना करके अलग से शो कर सकते हैं. देन अदर एक्सपेंसेस में, अदर एक्सपेंसेस एक्चुअली नाम है अदर लेकिन है सबसे बड़ा. अदर एक्सपेंसेस में ऊपर जितनी भी चीजें आई इनको छोड़ करके जो भी कुछ बचा वो सब कुछ चीजें अदर एक्सपेंसेस में आ जाती हैं. सो अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या आ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फ्रेट, कैरेज, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. एसएनडी का मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, रेंट पेड, डिस्काउंट गिवन, रिबेट गिवन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बहुत लंबी लिस्ट है. ये सारी चीजें आएंगी आपके अदर एक्सपेंसेस में. आपने सारी इनकम्स को लिख लिया, आपने सारे एक्सपेंसेस को लिख लिया. एक्सपेंसेस को भी आप टोटल एक्सपेंसेस करके क्लोज कर देंगे. नाउ आपका ये जो 1 + 2 = 3 आया टोटल एक्सपेंस, सॉरी टोटल इनकम. इस टोटल इनकम में से आप पूरा का पूरा जो टोटल एक्सपेंस आया इसको माइनस करेंगे. आपका अगर इनकम ज्यादा होगा तो आपको एक्सपेंसेस कम अगर होंगे तो आपको प्रॉफिट होगा. उल्टा हुआ, एक्सपेंसेस ज्यादा हैं या और इनकम कम है तो आपको लॉस होगा वहां पर. अगर प्रॉफिट हुआ, हम मान करके चलते हैं कि हमको प्रॉफिट हो रहा है, अगर हमको प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट को हम नीचे लिखेंगे यहां. नाउ दिस इज नोन एज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी. प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने यहां लिखा. इसमें से हमको टैक्स डिडक्ट करना है. टैक्स मतलब इनकम टैक्स की यहां हम बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स की हम यहां बात कर रहे हैं. वो हमको एट द रेट दिया हुआ होता है कि कितना परसेंटेज हमको टैक्स माइनस करना है. गवर्नमेंट हर साल इस टैक्स रेट को चेंज करते रहती है. तो वो जो टैक्स है उस टैक्स को हमको यहां से माइनस करना है. टैक्स को माइनस करने के बाद हमारा जो प्रॉफिट आएगा दैट इज नोन एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बेसिकली शेयर होल्डर्स की अर्निंग होती है. ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रेफरेंस एज वेल एज इक्विटी शेयर्स. तो ये लंबा चौड़ा वर्किंग आपको करना है यहां पर. इन चीजों को आपको ध्यान रखना है. और दोस्तों मजे की बात तो ये है, इतना लंबा चौड़ा फॉर्मेट करने के बावजूद भी आप जब दूसरे चैप्टर्स में जाते हैं, रेशियो एनालिसिस, इस तरीके के कुछ कुछ टॉपिक्स में आप जाते हैं, तो वहां आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने का अलग तरीका बताया जाता है. तो आपको, आप एनालिसिस किस चीज का कर रहे हैं आपको ये ध्यान में रखना है. अगर आपके ये ध्यान में रहेगा कि आप एनालिसिस किस चीज का कर रहे हैं, आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर रहेंगी, उसमें किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आएगी. यदि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड कुछ भी क्वारी है, कुछ भी चीज आपको समझनी है, किसी भी चीज में डाउट है, कमेंट करिएगा. वीडियो कैसा लगा आपको ओवरऑल उसके बारे में कमेंट करिएगा. सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करिएगा. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.